Hi everyone, this is Pallavi. Welcome back to my channel. So guys, I really hope that you all are doing well and taking a good care of yourself and your family. So guys, as you can see, my skin is ready, it is hydrated, my lips are well hydrated and I am wearing a night wear. So I am going to sleep. Na ji na. उसके पहले मैं आपको अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू करके जाऊंगी। हमारी बात हो गई थी भाई लास्ट वीडियो में कि हम हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी कि लॉटे कॉफ़ी स्लिपिंग मास्क इसका रिव्यू करना बाकी है और सी इसको मैंने एज इट इज़ ही रखा हुआ है। जब तक चारों का मैं रिव्यू नहीं कर देती ये ट्रे इसी तरह से रहने वाला है। ये वाला मैं रिव्यू कर चुकी हूँ इसलिए इसकी पैकेजिंग ओपन है और बाकी के तीनों अभी तक पैक्ड है, यू कैन सी। सो इसका रिव्यू हम आज करने वाले हैं और वो नाइट में ही हो सकता था क्योंकि ये स्लीपिंग मास्क है, इसलिए हमें नाइट का इंतज़ार करना पड़ा और जैसे ही रात हुई हम तैयार हैं। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। वाओ, काफी जेली फॉर्म में है। सी या देखो, हाथों पर चिपका भी नहीं है बिल्कुल भी। इट्स लाइक अ जेली। ओके, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। या इट विल हाइड्रेट द स्किन, टोन्स द स्किन एंड रिपेयर द स्किन। An energetic blend of effective formula, this mask has hyaluronic acid that hydrates the skin. It means ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने वाला है। And niacinamide repairs the skin by reducing blemishes and conditioning the skin. Caffeine in the coffee tones the skin. Wow, so ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने वाला है, blemish free करने वाला है। And yes, how you have to use it? You have to, yeah, directions of use. Clean your face with a mild face wash. Uniformly apply a thin layer of Lotte Coffee Sleeping Mask on your face and neck and massage well. Leave the mask overnight. Use it daily as the last step of your night skincare routine. Okay, so this should be your last step of your night skincare routine. So yeah, as you can see, I have no makeup on my skin. What I have done, I have used face wash, I have used my cream, that moisturizing cream, but I am thinking that I should remove that. I will apply this only. So let me remove my cream. बिकॉज मैं एक बार अपना फेस अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ तो फिर से तो मैं फेस वॉश नहीं लगाने वाली हूँ अपने फेस पर। सो लेट मी क्लीन माई फेस क्रीम विद दिस। ओके, लिप्स पे सिर्फ लिप मॉइस्चराइजर है। ओके, सो इसको मैं एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, बाकी कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ओके, सो या माय स्किन इज रेडी नाउ। ओके, सो माय स्किन इज रेडी नाउ। एक्ने मार्क इधर नहीं है कुछ, ये है बट आई थिंक ये तो परमानेंट हो गया है, 2-3 ईयर्स एज इट इज़ है। थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं। या सो दिस इज़ माय स्किन और अब हम ये अप्लाई करने वाले हैं। एंड यस, इसको नाइट में एज इट इज़ रखना है। इट मींस
मैं मॉर्निंग को आपको फिर से बताऊंगी कि मेरी स्किन में क्या डिफरेंस आया है, कैसी लग रही है। ऑब्वियसली एक नाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो भी चेंज आएगा वो तो हम नोटिस करेंगे, वो ज़रूर कैप्चर करेंगे अपने कैमरा में, सो दैट आई कैन शो दैट टू माई व्यूअर्स, टू माई सब्सक्राइबर्स। ओके सो लेट्स अप्लाई दिस। एक अच्छा मसाज हम दे देते अपने फेस को। वैसे अभी घर में रहकर काफ़ी स्किन इम्प्रूव हो गई है। ये वाटर बेस्ड है, मतलब बिल्कुल स्टिकी नहीं है। सी वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। और इसमें आपको ऐसा ऑयल जैसा या बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं फील होगा कि जब हम गर्मी में बहुत ज़्यादा जेल बेस्ड कोई क्रीम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इसमें होता है, तो इमीडिएटली फेस पर जो है वो स्वेट होने लग जाता है, तो वैसा भी फील नहीं हो रहा है। ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है स्किन में एंड फ्रेग्रेंस इज गुड, नॉट अ टोटल कॉफी फ्रेग्रेंस, वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है। फ्रेग्रेंस थोड़ा सा ज्यादा है, एकदम लाइट फ्रेग्रेंस है वैसा नहीं बोल सकते हैं। सॉरी आई हैव अ हैबिट ऑफ अप्लाइंग वट एवर आई अप्लाई ऑन माई फेस, आई अप्लाई ऑन माई हैंड्स ऑल्सो। सो मैंने अपने हाथों पर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। बढ़िया, ये बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। लेट मी टेक इट क्लोजर। ये काफ़ी अच्छे से स्किन में चला गया है। गाइज सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो सो इनफॉर्मल, एक्चुअली मैं आपको अपना जो एक्चुअल रिव्यू है वो देना चाहती हूँ, सो दैट कि आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उसका एक ब्रीफ आपको अच्छे से पता चल जाए। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसा फील हो कि दैट यू आर ट्राइंग, ये जो ट्राई ऑन हो रहा है वो आपका खुद का हो रहा है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा मेरा वीडियो इनफॉर्मल आपको लगेगा, बट प्लीज़ इट्स जस्ट फॉर यू ओनली, सो दैट कि मैं जो एक्चुअली डिलीवर करना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। एंड या एक बार मॉर्निंग में मैं अपनी स्किन ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि अगर मुझे कुछ चेंज लगा है तो वो मैं आपको बता पाऊँ, क्या डिफरेंस है स्किन में, क्या डिफरेंस आया है, हाइड्रेटेड रह रही है स्किन, बहुत ज़्यादा प्लम्प है, कैसा जो भी मुझे फील होगा मैं मॉर्निंग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और फिर वहीं मैं अपना वीडियो भी एंड करूंगी। गुड नाइट मॉर्निंग गाइस। सो या दिस इज़ हाउ माय स्किन इज़ लुकिंग राइट नाउ। आई एम फीलिंग सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बिकॉज आपको ऑयली नहीं फील होगा बिल्कुल भी। सो वेदर यू हैव ऑयली स्किन, मिक्स्ड स्किन, नॉर्मल और ड्राई स्किन, तो ये सभी के लिए अच्छा है, बिकॉज जो एक्सेस ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आई हैव ये जो एरिया है मेरा टी जोन वाला, ये थोड़ा ऑयली है और यहाँ पर मुझे समर में ऑयल, एक्सेस ऑयल नज़र आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड या दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। सो या गाइज आई रियली होप कि ये रिव्यू आपको हेल्पफुल लगे, और सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।